पारा के स्कूल जाने के बाद तो कल है आयरा का बर्थडे और आज आंटी राफी फहद सभी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ आरिस्ता और आप देख रहे हैं आरिस्ता का सफ़र। तो अभी सब खैरियत से है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज है आयरा का बर्थडे और बर्थडे गर्ल हो गई है रेडी, उसको जल्दी से रेडी करती है और उन लोगों का दोनों का लंच रेडी कर रही हूँ मैं। जल्दी से क्विक से पूरी बना लूँ और इन लोगों को जल्दी से खिला के इन लोगों को स्कूल भेजना है। तो अभी आयरा को कर रही हूँ मैं रेडी, तो अभी वो ड्रेस पहन चुकी है, दिखा दी। देखिए आयरा, हाँ चेहरा रेडी हो गई है स्कूल के लिए। अभी सिर झाड़ना बाकी है, जल्दी से अल्फा तुम भी सिर झाड़ लो जल्दी से। अल्फा अपने अपना ड्रेस पहन चुकी है और मैं बना रही हूँ पूड़ी, तो जल्दी से मैं पूड़ी बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये हो गई है आयरू रेडी। मैं आयरू, हाँ आयरू हो गई रेडी माशाल्लाह। तो अल्फा अल्फा, अरे वाह 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 वाह, ये देखें माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे ही आप लोगों में दोनों में हमेशा प्यार बनाए रखे, आमीन। और ये हो रहा है बस का इंतज़ार, तब तक टहल रही है ये दोनों। पारा के स्कूल जाने के बाद ये दोनों बच्चे कर रहे हैं मेहनत, ढेर सारा बैलून फुला दिया है बस से। अब मुझे लगाने की ज़रूरत है, तो अब मैं जा रही हूँ लगाने की। और ये है आज का मेरा डेकोरेशन जो बिल्कुल सिंपल सा है। और ये यहाँ पे मैंने ईदी बोर्ड बनाया है, यानी कि बच्चों के लिए थोड़ा सा फ़न के लिए बनाया है, ताकि जो भी बैलून फोड़े उनमें जो भी निकले उन लोग इंजॉय करें। खैर, और ये राफ़ी फहद की वजह से ये बैलून जल्दी फूल गया और जल्दी से मैं डेकोरेशन कर पाई। और एक चीज़ की बहुत दिन से सोच रही थी कि कुरानखानी करवानी है और कुछ ना कुछ वजह से नहीं हो पा रहा था, तो आज बहुत अच्छा दिन भी था तो मैंने सोचा कि आज ये भी करवा लेती हूँ। और क्यों करवाया, क्योंकि मेरे ससुर जी के लिए सोचा था और मेरी अम्मा के लिए, और दोनों बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करवानी थी, तो वो भी आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आज हो गया। तो आइए आप भी दुआ में शामिल हो जाइए। या अल्लाह, जिस भी मकसद के साथ कुरान करीम दावत की गई हो या अल्लाह बेहतर जानता है, या अल्लाह इस कुरान करीम की तिलावत को बेमतहा कबूल फरमा, या अल्लाह को कबूल फरमा, या माफ़ फरमा, या अल्लाह इस दल की कोताहियों को माफ़ फरमा, या अल्लाह इसको पढ़ने में जो भी सवाब हुए हों, या अल्लाह इन सवाबों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही मुकद्दस कर। ये चल रहा है चावल, ये हो रहा है चिकन की सफाई, मतलब और ये घर चावल की, आह बिरयानी, आह गजब। बोलो बेइज्जती है किसका, बेइज्जती है। अच्छा से साफ करना, अच्छा वीडियो बनाइए, इसका तो खोपड़े ना लेना हमको। और मैं केक बनाने के लिए चली गई, तब तक राफ़ी ये सूट कर रहा है और अरसी जी ने बिरयानी बनाया जो बहुत ज़बरदस्त था। 70 लोगों का बिरयानी बनाया खुद से और इसमें हेल्प किया फरद, राफ़ी, आंटी, सच में ज़बरदस्त बिरयानी थी। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉन्डेंट रेडी कर लिया है केक के लिए, विप भी कर ली है क्रीम, और उसके बाद केक रख दिया है डिस्प्ले में, क्योंकि थोड़ा तो शूट बनता है ना, क्योंकि इंस्टा में डालना है मुझे, पेज में केक के वाले पेज में डालना है मुझे। तो और मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये केक मैंने बनाया है, अच्छा बना था और टेस्ट तो लाजवाब। बहुत ही कर्मठ है ये, गजब बेइज्जती है, बहुत ही क्या बोला, हार्ड वर्किंग वुमेन, इंडिपेंडेंट,
सेल्फ कॉन्फिडेंट जो भी वर्ड बोला जाए सारा चीज का मैं इनके लिए देखिए इनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। और मैं सारे बच्चों को रेडी कर रही हूँ गेम के लिए। देखो करो ना ना आयरा देखो और यहाँ पे बहुत मस्ती किया सभी लोगों ने। बस मैंने ऐसे हल्का सा इंटरटेन के लिए मैंने ऐसे किया कि चलो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाएगी, बच्चे लोग थोड़ा सा उछल कूद लेंगे, थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, बस इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। और फिर शुरू हो गया मैं बस का डांस, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से म्यूट कर रखा है म्यूज़िक को, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी तो इसीलिए म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से डांस किया मैं बस ने, सच में ज़बरदस्त डांस किया, सभी को बहुत पसंद आया। इतनी छोटी सी क्यूटी सी मैं बस और डांस बहुत अच्छा माशाल्लाह। और मैं केक लेके आ चुकी हूँ, बस थोड़ा सा असेंबल कर रही थी इसे मैं, और सभी को बहुत पसंद आया डिज़ाइन। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा और बहुत इंजॉय किया सभी ने। और यहाँ पे तो एक फैमिली पिक तो बनती है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?